ड्रग्स प्रकरण महाराष्ट्रात पसरत आहे आणि त्यामध्ये सरकारमधील दोन मंत्री सामील आहे असं संजय राऊत यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. तसेच इंडिया आघाडीची बैठक ही 19 तारखेला 3 वाजता होणार आहे याची देखील माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली आहे. कोई पीएम पद के दावेदारी नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ. इंडिया की बैठक 19 तारीख को 3 बजे खड़गे साहब के घर पे हो रही है. महाराष्ट्र से शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब जाएंगे और सभी इंडिया ग्रुप के जो हमारे सदस्य हैं वो सभी उस वक्त उपस्थित रहेंगे. बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, किसको मुख्यमंत्री करना है किसको नहीं करना है उनका अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है. अगर कोई नई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने की बात नहीं है. नए लोगों को भी इस प्रकार की काम करने का अवसर मिलना चाहिए. जो पुराने उनका क्या सर, शिवराज सिंह चौहान? देखिए, शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता है, इतने सालों से वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पार्टी को उनके लगा है, लगता है पार्टी को कि नए चेहरों को भी आप अवसर देना चाहिए. तो मुझे नहीं लगता है कि उस अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी को डिप्यूटी सीएम किया, उनका पार्टी का एक भूमिका है, और शिंदे जी जो नए हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया. सर, विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा देऊ शकतात, कारण की ज्या पद्धतीने सुनावणी जी आहे ती 31 डिसेंबर पर्यंत निकाल देण्याच्या संदर्भात कोर्टाने आदेश पारित केले आहेत आणि रोहित पवार म्हणतात की यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्ष राजीनामा देतील म्हणून. त्यांच्याकडे माहिती असेल, मला असं वाटत नाही की विधानसभेचे अध्यक्ष जे आहेत ते अशा प्रकारचं सत्ता सोडण्याचा निर्णय घेतील. त्यांच्यासाठी विधानसभेचं अध्यक्षपद हे घटनात्मक पद नसून भाजपने दिलेलं सत्तेचं पद आहे. नाशिकमध्ये जो ड्रग्सचा कारखाना होता त्याचा खोलण्याचं जे प्लॅनिंग होतं ते जेलमध्ये आणि ससून हॉस्पिटलमध्ये झाल्याचं आहे, पोलीस तपासात समोर आलं. टास्क फोर्स बनाने की बात की फडणवीसने. हाँ, अभी टास्क किसका? एनटीए जो जिस तरह से मामला ड्रग्स के मामले आ रहे हैं, ड्रग्स का मामला पूरा देश में बढ़, पूरे राज्य में बढ़ रहा है और उसमें इस सरकार के दो मंत्री शामिल हैं.